दशार्थ है कि सर माने नाशवान होता है, अक्षर माने अविनाशी होता है। ये अक्षर पुरुष की आयु बहुत घनी है, इसलिए ये अविनाशी दिखाई देता, पर ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे एक तो ये चीनी मिट्टी के बने हुए कप और प्लेट हो, एक स्टील का बना हुआ प्लेट हो, कप हो, तो चीनी वाले बने हुए इस मिट्टी के कप से तो आप अंडरस्टूड है कि हाथ से छुट्या टूट्या टुकड़े टुकड़े। तो ये सतीति तो है सर्पुरुष और इसके जितने प्राणी इसके अंतर्गत हैं, इसके लोक की। और अक्षर पुरुष की समझ लो स्टील का कप, स्टील में भी जंग लग गएगा और एक दिन वो विनाश में आओगा, पर समय घड़ा लगेगा, आसानी तो ना टूटे, इसलिए उसको भी अक्षर कह दिया इस अक्षर पुरुष को। नहीं, अक्षर माने वैसे तो अविनाशी होता, अक्षर पुरुष माने अविनाशी परमात्मा, लेकिन ये अविनाशी दिख है पर अविनाशी नहीं है। इसका निर्णय फिर 17वें श्लोक में कहा है कि वास्तव अविनाशी तो इनसे हटकर कोई और है। ये देखिए, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी, ये अक्षर माने अविनाशी होता है, दो प्रकार के पुरुष हैं, नाशवान और विनाशी भी। संपूर्ण सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान, जीवात्मा किसी की मरती है नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। और फिर तुरंत कहा है 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है पुरुषोत्तम तो अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, और वास्तव में वो अविनाशी है। ये देखो, तो इसे सिद्ध हुआ के ऊपर वाले तो अविनाशी हुए नहीं, वह तो नाशवान हुए। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक 16वां पढ़ लिया, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते है। ये लोग त्रयम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, अवे माने अविनाशी है, है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, इन दोनों से उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अंडरस्टूड हो गया, गीता ज्ञान दाता सर्पुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष भी नाशवान है, ये सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसलिए कहा कि इन दोनों से हटकर है वो उत्तम पुरुष, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है उसी से सबका धारण पोषण होता है जड़ से, तो सर्व का पालक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्यपुरुष कबीर साहब है, वर्म अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ थोड़ी सी धारणा इन अज्ञानी कुछ और फैला देते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में ना बोलता, ये हमारे कोर्स तो बाहर का है जो विषय दास लेकर चलता है, लेकिन आज यो बताऊंगा इसका अर्थ ये है। देख पढ़ कर सुनो, ये 18वें अध्याय में ये क्या कहता गीता ज्ञानदाता, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब इसने क्या स्पष्ट कर दिया है देखिएगा, यस्मात् क्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अब इसका अर्थ ये बना सीधा सा कि मेरे अंतर्गत जितने 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं दुर्गा है, इनसे मैं अतीत हूँ, इनसे तगड़ा हूँ, शक्तिशाली हूँ, और जिस कारण से मैं लोक वेद के आधार से, ओए होए, लोक वेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से लोक के वेद, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने हैं उनसे तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन वास्तव में पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष तो अन्य और परमात्मा इति उद्धारतः, ये लोक तर्म अवश्य विवर्ति अवैश्वर है, वो है विनाशी। अब वो कौन है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता कह रहा कि अर्जुन, जो साधक केवल जरा और मरण, मरण माने मृत्यु और जरा माने वृद्ध अवस्था, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं,
वे तत् ब्रह्म विदु और कृत्स्नम अध्यात्म चक्रम अखिलम। अब देखिएगा सातवें अध्याय का 29वां श्लोक आपको सुनाते हैं। सातवें अध्याय का 29वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता 29वां श्लोक है। इसका हम संस्कृत पढ़ देंगे, आपा भी मर कर देखेंगे, हम क्या दिक्कत से सारा देखेंगे। जरा मरण मोक्ष आए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए माम आश्रित ये तनते, ये मेरे पर आश्रित होकर जो प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे पर आश्रित का मतलब यहां पर ये है कि मैं बता रहा हूं कि उस तत्व ज्ञान जो भगवान खुद बोलता है उसमें कंप्लीट कोर्स है धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों का, और उसको तत्वदर्शी संत जानते हैं, वो तत्व ज्ञान है। और जो तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेता है उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर मृत्यु मृत्यु होती नहीं। तो यहां वही कह रहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस बात को आधार मानकर और तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं तो वे जो जरा मरण से छूटने का, वृद्ध अवस्था के दुख और मृत्यु के दुख से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो यहां संसार के किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते, केवल जरा और मरण से छूटने का उद्देश्य लेकर जो साधना कर रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है वे तत्परम विदु और कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। वो सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से परिचित हैं। जैसे आपको सुबह सुना था, पावगा अपना किया रे, भोग्यगा अपना किया रे, जैसे तुमने उत्तर का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लिखा, वो संत उस अध्यात्म ज्ञान से और पूरे तत्व इन सब कर्मों से परिचित है, वही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहा है। अब देखो जरा मरण मोक्षाए, सातवें अध्याय का गीता जी का हम यहां आगे 29वें में जरा मरण मोक्षाए, जरा वृद्धावस्था और मृत्यु से तो छुटकारा पाने के लिए मेरे आश्रित होकर माम आश्रित है जो प्रयत्नशील हैं ते वे ब्रह्म तत्व विदु, विदु माने जानते हैं उस तत्व ब्रह्म को, और कृत्स्नम माने सारे धातम और कर्म से अखिल सब कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनकी अनुवाद पढ़िए, जो मेरे शरण होकर आश्रित होकर जरा और मरण से, जरा माने वर्ध अवस्था होती है, छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष, वे व्यक्ति उस तत् माने तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण धातम को और सभी कर्मों को जानते हैं। यहां सामने ही बस ये 8वां अध्याय शुरू हो जाता है। इसमें अर्जुन ने पूछा तो किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानने वाले व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील है, वो किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब देखिए किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में किए हुए प्रश्न का उत्तर गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के गीता जी के तीसरे मंत्र में दे रहा। देखिए ये तीसरा मंत्र है, वह अक्षरम ब्रह्म परमम, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म माने अब वो तीसरे नंबर का भगवान, एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष तो अन्य, वो है परम अक्षर ब्रह्म। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता कि मेरी भक्ति करे। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने बता ही दिया कि मेरा एक ओम मंत्र है। अब उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको तत्वदर्शी संतों से पूछ, और उसके विषय में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट करता है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविदे समर्थ है। ओम तत्सत यह ऐसे ये तीन प्रकार का
ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिसकी शरण में जाने के लिए वो कह रहा है, कहा है। और उसी से सृष्टि के आदि में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ रचे गए, इसका अर्थ तो कुछ और बनता। फिर भी हमारा उद्देश्य ये है कि अपना मंत्र तो आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में बता ही रहा है, ये देखिएगा। और यहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र बता दिया कि उसका तो तीन मंत्र के जाप से उसकी प्राप्ति होगी, ओम तय सर पुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है तत्। और सत उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, इसको सार नाम आदि नाम अजर नाम इसको कहते हैं, वो गुप्त है, कोड वर्ड है, इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में ये मंत्र किसी के पास नहीं है, या भगवान के पास है। अब ये क्या कहता है आठवें अध्याय के गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में, ये खुद कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसमरण। इसका सीधा अर्थ है कि माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम यह, ओम इति माने यह है, ओम यह है एक अक्षरम, एक अक्षर है, विहार अनुसमरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम से याति परमाम गति, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। और इसकी अंतिम सांस तक से छोड़ तक इसका समण करता हुआ जाता है, ओम से मिलने वाली परम गति यानी मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। अब यहां से अनुवाद शुरू होता है, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ठीक मिलता जुलता ठीक कैसा कर दिया, नडंगा गणा नहीं कर। इसका मतलब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, नोट श्री कृष्ण। अब हम आते हैं आठवें अध्याय का, अब तीसरे मंत्र में ये बता दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब आठवें अध्याय के 5 से लेकर 10 तक एक निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता में, देखिएगा। आठवें अध्याय का 3 मत आपने पढ़ लिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और पांचवें में ये क्या कहता है, पांचवें में कहता है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता नहीं, स मद भावम याति यानी मेरे भाव में भावित रहता है, इसका सीधा अर्थ है वो मेरे में उसकी लगन बनी रहती है, इसमें संशय नहीं। और छठे का तो ये अर्थ है सीधा सा, दास वैसे बता देगा, जहां आशा ता बासा हुई, इसका अर्थ है कि जो जिस भी इष्ट की सेवन करता हुआ श्री छोड़कर जाता उसी को प्राप्त होता है, उसी में उसका भाव रहता है। छठे का ही अर्थ देखिए, हे कुंती पुत्र अंत काल में जिस जिस भी भाव को सेवन करता हुआ शरीर का त्याग करता है उस उसको ही प्राप्त होता है और सदा उसी में भावित रहता है, बिल्कुल ठीक है। अब सारी उम्र जिस इष्ट मान के पूजा है तो उसमें भाव भी रहेगा और उसी को प्राप्त होगा। अब यहां सातवें में कह रहा है कि अब तुम मेरा भजन भी कर और युद्ध भी कर, डोंट वरी तो मुझे ही प्राप्त होगा, सीधी सी बात है। ये देखो आठवें अध्याय का छठा पद या सातवां, इसलिए हे अर्जुन तुम सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, यानी युद्ध भी कर, काम करते करते सेवन करना है, प्रत्येक सदग्रंथ प्रमाणित कर रहा है। और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। आठवें अध्याय के 7वें श्लोक तक तो इसने अपनी बता दी। अब ये कहता सचिदानंद ब्रह्म की भक्ति करेगा तो मुझे मालूम नहीं, तो तुदशी संत बताओगे। अब आगे देखो, अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे। परमं पुरुषं दिव्यं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमं पुरुषं दिव्यं उस देव परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतरेण उसके सेवन से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। आठवें अध्याय का 8वां श्लोक, हे पार्थ यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो, अध्ययन नहीं अभ्यास योग युक्तेन यानी जो जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा तीन नाम का, ओम तत् सत, ओम तो सीधा ही सर्पुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ओम और तत् मिलकर ये दो अक्षर का सतनाम बनता है, वो तत् सांकेतिक है जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है।
और सतयु आदि नाम है, ये अलग मंत्र है, जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहां ये स्पष्ट कह रहा है कि उस मंत्र के अभ्यास से ये योग न ध्यान का इसमें मतलब है नहीं, ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं, इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए, अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं, अभ्यास यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से, उससे लगन से दूसरी ओर न जाने वाले मन से, यानी किसी और भक्ति में फिर कभी ध्यान नहीं जावे, केवल वही भक्ति करे निश्चित से, अनुचिंतन निरंतर चिंतन करता हुआ परम देवम पुरुषम याति है, परम पुरुष परम दिव्य पुरुष यानी उस परम देव परमेश्वर को प्राप्त होता है, गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो सचिदानंद घन ब्रह्म जिसका तीन मंत्र का जाप है उसको प्राप्ति का, उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कह रहे हैं। ये हमारे धर्म गुरु आज तक ये गाटा जोड़ रहे थे, श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहा है और किसके बारे में कहेगा, और कोई भगवान ही नहीं है, ये था बच्चों की व्याख्या जिनको कुछ भी कह कह का पता नहीं सदग्रंथों का, और ये धर्म गुरु और आचार्य और शंकराचार्य पद पर विराजमान हो गए, इन्हें अपना नाश करा जीवन का, आराम डबो दिए, अब समय है पुण्यात्माओं समझा है तो सिर दर्पाओ भोर नहीं रहे सदाओ। अब आगे देखो आठवें अध्याय का नौवां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे, आठवां तो पढ़ लिया, नौवें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है, लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा, अब यहां करेंगे। जो कवियम सर्वे कर दिया, कवियम ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि सबके नियंत्रता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप और सूर्य की सदृश चेतन, अब देखो हे निराकार बताओ भगवान ने, और इसमें लिखा तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है, तो ऐसे परमात्मा सौ प्रकाशित तो उसका शरीर सूर्य के सदृश नित चेतन प्रकाश अविद्या से अति परे सचिदानंद घन परमेश्वर का जो सेवन करता है, नौमा हो लिया दसवां पढ़ेंगे, वह भक्ति युक्त पुरुष यानी उस परमात्मा की भक्ति करने वाला योग बल से यानी भक्ति की साधना के बल से उसकी शक्ति से बरकुटी में के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सिमरण करता हुआ उस तत्तम या उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उस परमात्मा के दिव्यम परमम पुरुषम परम अक्षर ब्रह्म को, उस देव परम पुरुष को गीता ज्ञान दाता से अन्य को ही प्राप्त होता है। आगे समझ में आई है, अब ये किसके शरण में जाने को कह रहा है गीता ज्ञान दाता, कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नई भारे सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजन हारे, वो कौन कबीर, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात दुलाहा भेद न पाया वो कैसी मोहे कबीर हुआ, ही इज गॉड कबीर द विवरण नेम ऑफ गॉड, वो कबीर दुलाहा है उस परमात्मा का नाम। अब गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 और 66 आपको सुनाएंगे। पुण्यात्माओं कितना बढ़िया मौसम, यो समय बार बार नहीं मिलेगा आपको, आपके ना जाने कौन से जन्म के इतने ढेर सारे पुण्य थे जो आपको परमात्मा यहां ले आए, वरीबदास की ड्यूटी है कि आपने कति तृप्त करूं आपकी आत्मा को इस ज्ञान से, जैसे माता पिता की चिंता रहती है बालक थोड़ा सा दूध पी के अर्नोर कहेगा बस मना पीता मैं खेलन जाऊं, और वो खेलते न उठा के लाओगी माँ तीप तीप खेल में बसते और फिर कमजोर हो जाएगा बीमार हो जाएगा, जबरदस्ती दूध पिलाती है और पीते पीते भी उन्होंने सोचा भी एक बार माँ छोड़ देर मैं जाऊँ खेलन फटाफट, तो वह फिर भी उसको पिला कर फिर छोड़ देती है जा खेल ले बेटा। तो आप जो संसार रूपी क्रियाओं में खेल रहे हो तो यहाँ आपको मालिक लाए उठा के, और ये दास है वो माँ का रोल कर रहा है, आपको परमात्मा का अमृत दूध पिला रहा हूँ,
आपकी आत्मा को तृप्त कर रहा हूं। और यहां भी कुछ भक्त बैठे हैं, सुबह जल्दी वहां जाना है, फिर वहां पकड़ूंगा ट्रेन, घर पहुंचना है, कोई बात ना, यू दूध पी जाओ फिर चले जाइयो, फिर आ जाइयो। तो हम देखा करते थे, हम थोड़ा सा दूध पीकर छोड़ देते तो हमारे दादाजी ताऊ जी कहा करते, ले बेटा थोड़ा सा और पी, देख लंबी चोटी होगी तेरी, यानी हंगे प्याया करते थे। तो वो एक दास का उद्देश्य है कि आप ना हंगे प्याऊं, यो ज्ञान सुनाऊं और फिर आप पहलवान हो जाओगे, काल के लड़न दोगे। अब गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62, ये 62 है। हे भारत, गीता ज्ञानदाता करे, तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन माने शाश्वत स्थान, जो कभी नाशमा नहीं आता, उस स्थान को प्राप्त हो जाएगा। जो 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आती, यानी उनका पूर्ण मोक्ष होता है। तो यहां कह रहा है कि उसकी शरण में जा तू गीता ज्ञानदाता, अपने से अन्य भगवान की शरण में, परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा। अब गीता अध्याय नंबर 18 के 62, 63, 64, 65 और 66 अध्याय भी लास्ट और ये मंत्र भी लगभग लास्ट है। आगे तो कोई और वर्णन है, ये अज्ञान संबंधित इतने ही मंत्र हैं। इनमें कति निष्कर्ष कर दिया कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तो कह दिया कि सर्व भाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा और उसकी कृपा से तुझे परम शांति और वो स्थान मिलेगा जहां जाकर फिर लौट कर नहीं आती। और अपनी स्थिति बता दी, मेरी शरण में रहेगा तो ओम मंत्र है, युद्ध भी करना पड़ेगा और तूने मुझे प्राप्त होगा। अर्जुन मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी, उस शाश्वत स्थान नहीं मिले और वो मोक्ष नहीं हो सकता जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आ सकते। और युद्ध करना वह शांति कहां, उड़द कैर टूटेगा, तू कहता युद्ध तक करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता कि अर्जुन मन ने जो बतानी थी वह कह दी, जो कहना था, जो गुप्त से गुप्त ज्ञान तेरे को बता दिया, अब तेरी इच्छा, तेरा मन मानने न्यू कर ले, मेरी शरण में रहना तो ठा हथियार और होकर ना लड़े, उसकी शरण में जाना तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उसकी शरण में जा। अब देखो श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 63 में कहा है, 63 में कहा है कि इस प्रकार यह गुहात गुहत्रम, इस प्रकार यह गोपनीय से भी गोपनीय, अति गोपनीय, यो गीता रूपी ज्ञान कति गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। ठीक है, अब तू इस रहस्य ज्ञान को पूर्णतः भले भांति विचार कर और जैसे चाहता वैसा कर ले। ठीक हो गया, अब इसने स्पष्ट कर दिया, मैंने जो कहना था तो कह दिया गीता ज्ञान में, इब तेरी मर्जी है, ये गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया। अब आगे 64वें श्लोक में ये फिर कहता है कि एक गुप्त और बताऊं कति गुप्त, क्या मेरा भी पूज्य देव वही है जिसके विषय में मैं तेरे को जाने को कह रहा हूं उसकी शरण में, और वो कौन है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। परमात्मा ने क्या कहा था गोरखनाथ से कि अवधु अवगत से हे चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया, मात पिता मेरे कोई नाही ना मेरे घर दासी, मैं जुल्ले का सुत आन कहाया जगत करे मेरी हासी, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल बिच डेरा तहां जुलाहे न पाया। फिर कहते हैं
अधर गगन गुफा में ताव निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो जपता नाम हमारा। ओए होए कहते तेरा यो ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म ये भी ये धरता ध्यान हमारा, ये भी मेरी पूजा करता है और यहाँ ये स्वीकार कर रहा है। देखना गीता अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर हम 63 तब ने पढ़ लिया, 64 पढ़ डाएंगे। यहाँ तो इसने कह दिया ये गुप्त छे गुप्त गीता वाला ज्ञान मैंने तेरे को बता दिया, ठीक है अब तेरी सलाह जैसे चाहो तू कर ले। 63 में फिर और कहता है कि संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य योग वचन को तो फिर सुन मेरा। अब देखो इष्ट माने प्रिय कर दिया इन्हें, तू मेरा अतिशय प्रिय है और इससे हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। अब इसका अर्थ ये बना है कि सर्वम, ये तो सर्वज्ञ है, तुम तो पहले बता दिया सब गोपनीय से अति गोपनीय, इस प्रकार गोपनीय से व्यक्ति गोपनीय ज्ञान मैंने कह दिया 63 में। अब 64 में फिर ये नहीं कहे उस ज्ञान ने फिर सुने खाक वे। इसका अर्थ ये है सर्वगुहतम सबसे गुप्त भूय शरणो, अब फिर एक और बताऊं तेरे भूय मन फिर अब सुन मेरे से परमम मे परमम वच मेरे परम वचन और सुन ले एक बार फिर बताता हूं क्या। इष्ट असी में दृढ़ इति यह है जिसके विषय में मैंने तेरे को 18वें अध्याय के और 62वें श्लोक में कहा है कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम उस अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में क्या कह रहा है कि सर्व गुहतम गुह सुनो में परम वर्च मेरे और गुप्त से भी अति गुप्त मेरे वचन सुने। इष्ट असी में दृढ़ ये पक्कम पक्का यही जो जिसके विषय में मैं तेरे को जिसकी शरण में जाने को कह रहा हूं वो मेरा इष्ट देव है, वो मेरा पूज्य भगवान है और तत्वक्षामी ते हितम मैं तेरे हित में कहूंगा कि वो मेरा पूज्य देव है। इन रखे इष्ट माने प्रिय खाक अनुवाद। अब ये गुप्त से गुप्त पहले बता दिया और के भूये क्या रह गई ये कहता सुन ले जानते। अब बताता हूँ तेरे को कि मैं भी उसकी पूजा करता हूँ और भगवान कहता है कि अदर गगन में भवर गुफा तानिष्ट वस्तु सारा और तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो दरता ध्यान हमारा, और ये खुद स्वीकार करता कि वो मेरा इष्ट देव है। अब आगे क्या बताता है 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में ये कहता है कि मुझ में मनवाला हो मेरा भगत बन मेरा पूजन करने वाला हो और मुझे प्रणाम कर नमस्कारू मुझे नमस्कार यानी प्रणाम कर, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा तुझसे मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा प्रिय माने प्रिय और भगत है तो मेरा प्रिय है। अब ये क्या कह रहा है कि देखो जिसके विषय में जाने को मैं तेरे को कह रहा हूँ उस परमेश्वर के विषय उसकी मैं भी पूजा करता हूँ तेरे ती साची बता दी गुप्त छे गुप्त और बता दिया। अगर मेरी शरण में रहना है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तो मुझे प्राप्त होगा अंडरस्टूड तो पहले भी कह दिया इसने। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता को अर्जुन खुद कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूं और मेरी बुद्धि इब काम करना छोड़गी आप जैसे उचित सुन दो मुझे गाइड करो। ये पहले उसकी शरण में था ईब को मेरी शरण में आ जा बात वर्तमान जाना होता है इन्होंने आना कर रखा है। अब 10 मिनट के सत्संग में इनकी सारी पोल खोल दूंगा ध्यान से सुनिए। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में अब कार्यता रूप दोष से उप अपहर्त हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वही मेरे लिए कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण हूँ आप मुझको दीक्षा दीजिए। हो गया ये तो पहले कहे है मैं आपकी शरण हूँ और मेरे हित में जो बात हो वह बता दे मेरी मुदीब काम करना छोड़गी। अरे ये नूके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि मेरी शरण में आ जा नहीं इनका अनुवाद गलत है। अब देखो अध्याय नंबर 66 में इन्होंने कैसा गफला कर दिया गलत देखो 18वें अध्याय के 66 में 18वें अध्याय के अब 65 पढ़ लिया हमने इसमें ये कह रहा है कि तो मेरी पूजा कर मुझे नमस्कार कर अपने को तो केवल नमस्कार करने की कह रहा है
और तत्वदर्शी संत चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत है कहते उसको दंडवत प्रणाम करना। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का। अब इसी से डिफरेंशिएट हो जाएगा आपने शक्ति और ताकत का और सच्चाई का। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्व ज्ञानी संतों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहां तो कहता उसको तो दंडवत प्रणाम करना होता है, दंडवतम प्रणाम, और अपने आप को कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर और मेरा भगत बने, मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है, उसकी भक्ति करे उसको प्राप्ति होगा। कहता मैं सत प्रतिज्ञा करता हूं तो मुझे मिलेगा। अंडरस्टूड है। तो जहां सा तहां वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, सूक्ष्म ज्ञान बताता है। अब देखो 18वें अध्याय का 65वें श्लोक में इसने कह दिया कि मेरी शरण में रहना है तो डोंट वरी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सत प्रतिज्ञा करता हूं कि मुझे प्राप्त होगा। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तो मुझको ही प्राप्त होगा, मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ। हो गया तब पे हो रही है सत्यज्ञा, जिसकी आशा में भक्ति करे वहीं जाएगा। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये फिर निर्णायक कहता है कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ हथियार हो जाए तैयार खड़ा, मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष गति नहीं, वो स्थान नहीं मिल सकता जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। और उसकी शरण में जाना है तो मेरे सत्र का जो ओम नाम का जाप और जितने यज्ञ आदि तू करता है मुझ में छोड़ दे, क्योंकि आज तक हम क्या करते, ओम नाम का जाप करते, ब्रह्मलोक में खा आते, वो पुण्यों को खत्म कर दे, फिर आके गधे बन जाते। तो अब हम यह गलती करें नहीं, हम इसकी कमाई से न दे देंगे, यूं हमारे को ऋण मुक्त कर देगा। और फिर कहता फिर तू जा उसकी शरण में, वैसे तो ना जान दूं मैं। अब देखो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम वर्ज और अहम त्वा सर्व पापे भय मोक्षामी मासुच। बिल्कुल ठीक है। ये क्या कहते हैं इसका अर्थ, तो ये है कि सर्व धर्मान परितज माम, सभी धार्मिक कर्मों को अनुष्ठानों की जो क्रिया धर्म है पुण्य है वो मुझ में, मेरे सतर के वो मुझ में छोड़े। सर्व धर्मान परितज माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जो कमाई है मुझ में परितज माने छोड़े। और एकम शरणम व्रज, एकम उस परम अक्षर ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमेश्वर की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इन अज्ञानियान देखिए संपूर्ण धर्मों के अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरणम व्रज माने आ जा। वारे देवताओं, गौ माने जाना होता है, अरे ये नौके गौ माने कम, गौ माने कम, गौ माने जाना होता है, वर्द माने जाओ, और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब पहले इनका दिखा दो, इन अज्ञानियों का, वर्द माने सब कहते आ जा, अरे इन हमारे धर्मगुरुओं से अच्छे तो ये देखो एक सातवीं कक्षा की किताब में लिख रखा है, कोई प्रसंग है उसमें वर्द शब्द है, पहले ये दिखा दो। ये कल एक भक्त ने ला कर दी है राजस्थान से, क्योंकि हमारे भक्त भी खोजी हो गए, ये देख पर रहे हैं, ये है कोई सातवीं कक्षा की। जेबी पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड दिल्ली, ये है लेखक है, संपादक है पंडित दीपक शर्मा पीएचडी, डॉक्टर श्रीकांत चतुर्वेदी पीएचडी। अब इसके 57 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, ये है, ये 56 पृष्ठ है, ये देखिए 56 पृष्ठ है। अब यहां कोई प्रसंग चल रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है संस्कृत है कि हे पुत्र एकाकी माँ, एकाकी माँ व्रज, इसका अर्थ है कि हे बेटा तू एकला मत जा, हे पुत्र एकाकी माँ व्रज, एकला मत जा, इसका यहाँ अनुवाद इन्होंने किया है। व्रज माने जा,
जाओ गो, बिल्कुल ठीक है। हिंद धर्म गुरुआ तो ये अच्छे आचार्य तो जिन्होंने यू लिख दिया। अब आपको दिखाते हैं एक शब्द कोश और जिसमें क्या लिखा है। ये एक शब्द कोश, संस्कृत हिंदी कोश, ये सारा कुछ वामन शिवराम आपटे के द्वारा ये, और ये यहाँ से छपी है। बस अब हम आपको दिखाते हैं इसके 993 पृष्ठ पर, आपको दिखाते हैं 993। यहाँ पर वर्ज शब्द है, वर्ज, वर्ज माने जाना, वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। और यहाँ देखो वर्जनम, घूमना फिरना, यात्रा करना, निर्वासन, देश निकाला। वर्ज माने जाना है, सीधी सी बात है, वर्ज माने जाना। अरे दिखाऊं उनके सारे के पोल खाते आपको। अब गीता प्रेस गोरखपुर की तो आपको दिखा दी, वर्ज माने मेरी शरण में आओ। और अब दिखाता हूँ सुधांशु जी महाराज, देखिएगा ये श्री सुधांशु जी महाराज के द्वारा ये छापी है। इनकी बुद्धि ओम ताई टिकी हुई थी, शंकर के पुजारी हैं ये। प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। ये सारा फरपट लियो, घना टाइम को नहीं मेरे पास, ये दिखा दूंगा एक बार आपको बस। अब ये देखो ये 18वें अध्याय का अध्याय नंबर 18 और इसका 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अनुवाद कर रहे हैं सुधांशु जी, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, अज्ञानी नंबर वन। अब देखो आसाराम जी अज्ञानी नंबर दो, संत श्री आसाराम जी अहमदाबाद, कर लो दर्शन इसके महात्मा के। अब देखो ये अध्याय नंबर 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में छोड़ कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वोद्धार परमेश्वर की शरण में आ जा, आसाराम आ जा। अज्ञानी नंबर दो। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये हंसादेश वाले श्री सतपाल जी हंसादेश और उसका भाई वो बाल योगेश्वर, उनकी तरफ से छपी है श्रीमद् भगवत गीता। अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद सर्वानंद आत्यादिता जी। प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली, यहाँ से छपा है। और ये पीछे देखो ये सतपाल जी महाराज के कर लो दर्शन। अब इन्होंने क्या अनुवाद किया है ये देखिएगा, इन्होंने तो कट्ठा काम कर रखा है। ये यहां से देखो ये है 18वां अध्याय और यहां आगे इसमें तीन कट्ठे ले रखे हैं, ये 64, 65, 66, ये लास्ट वाला छठा। सर्वधर्मा परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने अगले पृष्ठ पर किया है। तीन श्लोकों का इकट्ठा कर रखा है। ये लिखा कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। सतपाल और हंसादेश अज्ञानी नंबर तीन। और देखिए यथार्थ गीता और वर्षों के लंबे अरसे के अंतरकाल में श्रीमद् भगवद् गीता की शाश्वत व्याख्या की है। किसने? अड़गणानंद ने। ये है श्रीमद् गीता का अर्थ, मानव धर्मशास्त्र। व्याख्याकार परम पूज्य परम हंस महाराज का कृपा प्रसाद श्री स्वामी अड़गणानंद जी, श्री परम हंस आश्रम साकेत गढ़ जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश भारतीय, फोन नंबर इनके, प्रकाशक इनके ये हैं। श्री परम हंस स्वामी अड़गणानंद जी महाराज आश्रम ट्रस्ट 29A फ्रेंच रोड
मर्चेंट क्लब के सामने चौपटी मुंबई में। अरे ये देखो महाराज जी कितनी तपस्या कर रहे हैं, दूर तो देख भाई। अब 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखते हैं। ये देखिएगा इसका अनुवाद दे ना रहा है, कमाल कर गया इसने। ये कहता संपूर्ण धर्मों को त्याग कर अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का कर्ता हूँ या शूद्र हूँ, अक्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी शरण को प्राप्त हो यानी मेरी शरण में आ जा। अड़ंगड़ानंद जी अज्ञानी नंबर 4। अब देखिएगा ये है गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक श्री राम सुखदास जी, यह साधक संजीवनी नाम इसका रखा है। देखिए इन्होंने तो तोड़ा पाड़ रखा कति। अब देखिएगा इन्होंने ये है श्री मद भगवत गीता सचित्र साधक संजीवनी, स्वामी राम सुखदास जी ने इसको अनुवाद किया है ठीक, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम ले चलते हैं आपको 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर, अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66। ये 1200 पृष्ठ से शुरू किया इस महात्मा ने, अड़ंगा अडाणा 1200 पृष्ठ से, और ये देखो 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम वर्ज। स्वामी जी कर रहे हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, बस इतना काफी, आगे कोई जरूरत नहीं, मेरी शरण में आ जा। अज्ञानी नंबर 5। अब इसने तो और कमाल कर रखा है, 1200 से शुरू किया इस अड़ंगे को शुद्ध, इसमें और अपनी व्याख्या करके वर्जमाने आना करने के लिए पता नहीं क्या के। अब 1200 से लेकर, और आपको दिखाता हूं, ये 67 यहां शुरू होता है, वो तेरा गुजर 1217 तक, यानी 17-18 पृष्ठ अपने अज्ञान को और अज्ञान सिद्ध करने के लिए भर डाले। 1200 से लेकर ये 1200 पृष्ठ है, और यहां ये वर्ज 66वां श्लोक, और यहां देखो अब 1219 तक, ये 67वां यहां शुरू हुआ है और यहां तक इसका अनुवाद ये चला, यहां से 67वां तो ये 1219 पर यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक इसने उस वर्ज माने सीधा सा अर्थ था जाना और इसने कर दिया आना, और उसकी बकवाद को अपने अज्ञान को सिद्ध करने के लिए ये 19 पृष्ठ और बकवाद गढ़ दी। और इतने छोटे अक्षर है जैसे अखबार के वाकर, और उसके 19 पृष्ठ पर रखे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम कपूर दास, बड़ौदा मेव, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर, राजस्थान से हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा जुलाई 2013 को लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधनाएं करते थे? सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे हनुमान जी की, हनुमान जी के सुबह 1 घंटे पूजा पाठ करता था, सभी व्रत रखते थे, सभी तीर्थ स्थानों पर जाते थे मत्था टेकने के लिए, जैसे कि बालाजी मेहंदीपुर, गिरिराज जी महाराज, आपके खाटू श्याम, ये सारे देवी देवताओं के यहाँ मत्था टेकने के लिए जाते रहेंगे, सभी की भक्ति करते थे। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे और तीर्थ स्थलों पर भी जाते थे, तो सर इतनी भक्ति साधनाएं करने से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जैसे मैं ये सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे तो मुझे अस्थमा, एलर्जी, आंखों में जलन और पूरा जीवन, अब तक का जो पूरा जीवन था सन 2013 से पहले का, उसमें कष्ट भरी पूरे जीवन में यानी कि मेरी जिंदगी गुजरी है, और मेरे एक बेटी और एक बेटा है, उसको सन 2009 में इतनी भयंकर बीमारी हुई, डेंगू बुखार हुआ, किडनियों में इन्फेक्शन हुआ, और वो काफ़ी पैसा लगाने के बाद यानी कि उसको जीवन दान परमात्मा ने ही दिया है, लेकिन हमारे पिताजी भी
यही देवी देवताओं की भक्ति करते थे, सौमणि करते थे हनुमान जी की, हर 6 महीना 12 महीने में एक सौमणि करते थे, लेकिन उनका जीवन भी पूरे कष्ट में निकला, हमें कोई उनसे लाभ नहीं मिला सर। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमारा एक मित्र था तो वो जाके आया था, मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है तो उसने आके हमें बताया, शिवचरण दास है, पहले शिवचरण जाट था वो नाम से, तो हमें उसने बताया खेमचंद ने, तो खेमचंद के बताने के बाद हम वहाँ बरवाला आश्रम पे गए और हमने वहाँ पहली बार जाके वो सिस्टम देखा, जाके सिस्टम देखा तो हम पहली बार वहाँ गए तो हमने देखा तो ऐसा लगा जैसे हम पहली बार नहीं या कितनी बार आ चुके हैं, और एक जानी पहचानी सी जगह लगी। उसके बाद में हमें वो नियम उसने बताए, हमारे जो भगत जी साथ लेके गए थे उसने बताए, एक भैया ये किस नियम है, हमने बगैर कोई नियम देखे हुए और हमने बोला भगत जी हमें नाम दिलाओ, तो उन्होंने हमारा पर्चा भरवा के और उन्होंने वहाँ नाम दिलवाया। सर जैसा कि आपने बताया आप विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, तीर्थ स्थानों पर भी जाते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कुछ लाभ भी मिले? सर सबसे पहले तो हमें ये जाना कि संत रामपाल जी ने शास्त्रों के अनुकूल जो ज्ञान दिया है तो उसके बारे में हमें ये पता ही नहीं था शास्त्र क्या होते हैं, हमारे बुजुर्ग जो करते आ रहे हैं वही हमने किया, लेकिन श्री सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में किया, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करता है ना तो उसको कोई सुख होता है, ना उसकी कोई गति होती है, ना उसको कोई सिद्धि होती है। तो सर हम तो करते ही मनमाने आचरण कर रहे थे पूरे, लेकिन संत रामपाल जी के शरण में जाने के बाद में हमने शास्त्रों के अनुकूल भक्ति शुरू की, और शास्त्रों के अनुकूल भक्ति शुरू करने के बाद में हमें पहला लाभ ये हुआ, एक हमारा अस्थमा और एलर्जी बिल्कुल पूर्ण तक है, एक टेबलेट भी नहीं लेते, पूरी तरह यानी कि स्वस्थ हो गए, सबसे पहला लाभ तो हमें ये हुआ सर। उसके बाद हम 2013 जुलाई 2013 में जुड़े थे, सबसे पहला ये लाभ होने के बाद में जो दीपावली आती है 2013 को, तो धनतेरस पे हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार में यानी कि हमारी अच्छी बिक्री होती है धनतेरस दीपावली पे, तो उससे पहले पिताजी की तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब होने के बाद में उसको हम हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल लाने के बाद में जैसे ही 5-7 दिन भर्ती रखने के बाद में उसको वापस घर लेके, ठीक होने के बाद घर लेके चले गए, उसके बाद में दोबारा फिर तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब होने के बाद में उसको फिर जयपुर ले गए, जयपुर फिर 2-3 दिन रखने के बाद में फिर डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया और उसको ले आए, तो अचानक तबीयत घर लाने के बाद में दो तीन दिन बाद में इतनी तबीयत खराब हुई, एक उनको जो गोली हम गोली दवाइयाँ जो देते थे उनके मुँह में यानी जैसे ही गोली दवाई अपन ने डाली तो वो गोली दवाई अंदर जाती ही नहीं थी, एक घूंट पानी भी नहीं जाता था और खांसी होकर उल्टी वापस आ जाती थी, और हमारे पिताजी खुद 90 वर्ष की उम्र है वो खुद बोल रहे हैं एक काल के दूत खड़े हैं भैया, ये दो हैं इनको लाओ इनको भगाओ, और भयंकर काल का प्रकोप, इतना भयंकर यानी कि दुख हुआ उनको, आंखों से देखता बंद, और कुल मिला के सारे भाइयों को रिश्तेदारों को सबको बुला लिया, मैं लास्ट टाइम है और हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों की जो घरवाली है उनको बुला लिया, और वो जो हमारे हिंदू धर्म में ये पर्दे प्रथा है, ये पर्दा प्रथा वो करती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने पर्दा प्रथा हटाकर घूंघट उगा लिया और उनको 1100-1100 रुपये उन्होंने विदा में दे दी, और बिल भैया मैं जा रहा हूँ, तो हम पूरा परिवार बैठा बैठा रो रहा था, तो हमारे जो भगत जी जो मेरे साथ नामदान लिया था शिवचरण दास, तो हम दोनों थे, हम भी रो रहे थे। उसके बाद में मैंने शिवचरण भगत जी को बोला, भगत जी बताओ क्या करें, बिल परमात्मा कुछ कर सकते हैं, तो शोरूम में परमात्मा की ज्योति जलती है, जैसे ही ज्योति के सामने हम दोनों वहाँ गए, संत रामपाल जी से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद तो हमें वहाँ से भगत भाई ने कहा, एक भैया आपकी प्रार्थना नंबर 46 है, आज भी मेरे याद है, और आप सुबह 9 बजे पूछ लेना। तो जैसे ही यानी कि प्रार्थना लगी तो हमारी बच्ची दौड़ के भाग के आई एकदम, बिल पापा बाबा तो खड़ा होके चौक में नाच रहा है, जबकि हमारे पिताजी का चलना तो दूर, रिगस रिगस के बाथरूम करने के लिए ले जाते थे, वो खड़ा भी नहीं हो जाता था, संत रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा हुई। उसके बाद फिर सुबह हमने दूसरे दिन जैसे ही आश्रम फोन लगाया तो वहाँ भगत भाई बोला, उन्होंने कहा काल का बहुत ज़्यादा अटैक है, आप इनको लेके आओ नाम दीक्षा दिलवाओ, तो हम हमारी गाड़ी थी उसमें बैठा के, और जैसे ही वहाँ चलने लगे तो उसको बाथरूम की समस्या थी, वो गले की जो समस्या थी वो तो ठीक हो ही गई तुरंत, उसके बाद बाथरूम की जो समस्या थी उसने जैसे ही गाड़ी में बैठा बोले रोको 1 मिनट, और रोकने के बाद जैसे ही वो बाथरूम करके गए तो बोले मेरी ये बीमारी भी ठीक हो गई। मैंने बोला देखो अभी संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में चल रहे हैं, अभी देखो क्या क्या चमत्कार होते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम चले तो वो खाना नहीं खाता था, तो हमारे अलवर के पास में ये भादरपुर चिकानी पड़ती है, यहाँ हमने गाड़ी रोकी पानी वानी पीने के लिए,
तो हम लस्सी भर के लेके गए थे, परांठा करके ले गए थे, तो दो परांठे एक किलो लस्सी को ठोक के पी गया वो बुजुर्ग हमारे पिताजी हैं जो। उसके बाद में हम बरवाला पहुंच गए, बरवाला जैसे ही बरवाला शहर में घुसे तो हमने एक किलो मौसमी का जूस को पी गया उसके बाद। और फिर जैसे ही वहाँ आश्रम पे पहुंचे, संत रामपाल जी के अस्तलोक आश्रम पे, वहाँ पहुंचने के बाद में अंदर हो गए, अंदर होने के बाद में उसको भंडारा वंडारा खिलाया वहाँ, जबकि जिस दिन दाल थी चने की मिक्स, तो उसको पस्ती नहीं थी, तो मिक्स दाल और 5 रोटियाँ वहाँ भंडारा लिया। उसके बाद उसको नाम दीक्षा दिलवाई और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसके बाद महाराज जी का जैसे ही आशीर्वाद का टाइम हुआ तो आशीर्वाद के वहाँ शिवचरण भगत जी उसको लेके गए, संत रामपाल जी महाराज जी का आगे प्रार्थना की और ये कहा, महाराज जी ये वो आत्मा है जो आपने जिसको जीवन दान दिया है। तो महाराज जी ने एक ही बात बोली, एक आपको जीवन दान ये आपको भक्ति करने के लिए दिया है, आप भक्ति करो और स्वस्थ रहो। तो ये मान लो उसको यानी कि पूरी झुर्रियाँ पड़ रही थी पूरे चेहरे पर, ये खाल वाल ये ऐसा लटक गई थी हाथों की ये पूरी। संत रामपाल जी ने जैसे उनको आशीर्वाद दिया तो ऐसे मानो जैसे ट्यूब के अंदर एक हवा भर जाती है पूरा, और पीला जर था हल्दी का जैसा रंग था, लाल सुरख हो गया। ये मेरी आंखों देखी, मैं आपको कोई ऐसा नहीं है कोई झूठ बोल रहा हूँ, ये पेवर सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये चमत्कार हमारे सामने हुआ। उसके बाद में एक हमारी सगी बहन थी तो वो पूरे जीवन उसका कष्ट में चला गया। और अब ये 2017 की बात है, अप्रैल 2017, तो जैसे ये गेहूँ की कटाई चल रही थी, गेहूँ की कटाई चलने के बाद में उसको अचानक खूनों की उल्टी आना शुरू हो गया, और खूनों की उल्टी इतनी भयंकर आ गई कि जो होता है गेहूं का जिसको कूड बोलते हैं, तो खून इतना आता था जो कूड भर जाते थे, यानी कि एक आधा आधा लीटर खून, इतना भयंकर। हमने समझाया उनको, भाई आप नाम दीक्षा ले लो आप सही हो जाओगे, लेकिन नहीं माना। काफ़ी हॉस्पिटलों में, यहाँ अलवर भी काफ़ी हॉस्पिटलों में खूब दिखाया, खूब पैसे की बर्बादी की, उनके घर वालों को समझाया लेकिन नहीं जचा। उसके बाद में सारे थक गए, सारा कहाँ भी मरेगी। उसके बाद यानी कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में यहाँ हमारे घरवाली के साथ उसको लेके आए अलवर नामदान केंद्र पे, उनको नाम दीक्षा दिलवाई और 22 अप्रैल 2017 को नाम दिलवाई है। नाम दिलवाने के बाद वो हमारी बहन है, सगी, रामकला नाम है उसका। और पूरी तरह इतनी भयंकर बीमारियाँ, एक पूरी तरह खूनों की उल्टी, मांस के टुकड़े पीस की पीस बाहर आते थे, ये स्थिति थी। इतनी दुखी थी वो आत्मा। और उसके बाद में जैसे ही 22 अप्रैल 2017 को नाम दिलवाया, उस दिन का दिन है आज का दिन है, उसको छींक तक नहीं आई। उसको हर बार बुखार आता था चौमासाओं में, बरसातों के टाइम में बुखार आता था, जुकाम लगती थी, लेकिन ना कोई जुकाम लगती है उनको, ना कोई अब किसी भी तरह की बीमारी, और पूरी तरह स्वस्थ है। एक ये हुआ। एक हमारी भुआ जी है, उसको यहाँ गले में गांठ थी, फिर हमारी बहन ने जैसे नाम लिया तो उसको भी विश्वास हो गया। विश्वास होने के बाद में हमारी भुआ जी को भी यहीं से नाम दिलवाया एक महीने बाद, और उसको स्तनों के बीच में बेल घमेरी होती है, एक बेल घमेरी थी उसमें पस आता था, और वो गांठ थी, और पूरे शरीर में एलर्जी हो जाती थी धूप में अगर थोड़ी सी भी चले गई तो। उसके बाद में वो पूरी तरह, वो भी हमारी भुआ जी भी पूरी तरह स्वस्थ है, परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। और एक ताज़ा लाभ ये हुआ है सर, अभी अभी 7 तारीख को यहाँ सत्संग था अलवर जेल कारागृह में, तो हम भी वहाँ गए थे, तो सत्संग सेवा यहाँ करके कैदियों को ना यहाँ सत्संग सुना के जो व्यवस्था थी जिस हिसाब से, तो हम लौटे तो शाम के टाइम में मैं पहुँचा। पहुँचने के बाद में जो पैसे थे मेरी जेब में, जो मैंने निकाल के सारे पैसे और गले में जो पैसे थे वो एक जगह करके और हमारी भक्तमती को घर पे दे दिए। तो उसके बाद में कोई पैसे नहीं थे, जो गाड़ी हमारी जो आती है सामान की वो गाड़ी आई, लेकिन शोरूम बढ़ चुका था तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे, उसको भाड़ा देना था 835 रुपये। तो वो सामान हमने आके रख दिया, मैंने हमारी जो बेटी है उससे कही एक आप शोरूम खोल लो, शोरूम खोल के गले में पैसे रखें वो दे दो, 835 रुपये उसको भाड़ा के दे दिए, मेरी जेब में एक रुपया भी नहीं था। और हमारा जो बेटा उसने कहा कि जूस पीऊँगा पापा, जूस पिला के लाओ, तो हम 200 रुपये जूस के लिए अलग से ले लिए, बस 200 रुपये हुए थे और हम जूस पीने के लिए चले गए, लेकिन 9 बजे गए थे, मार्केट की दुकान बढ़ चुकी थी, वापस आ गए, बस 200 रुपये मेरी जेब में थे, मैंने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। उसके बाद में जब ला के हैंगर के शर्ट और पैंट लगा दिए, सुबह जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने ड्रेस चेंज की, तो मैंने जैसे ही जो मेरे जो पर्ची वगैरह जो भी होता है आधार कार्ड वगैरह जो दूसरी उसके लिए निकाला रखने के लिए, तो मैंने देखा तो 5000 रुपये, 2000 के दो नोट और 500 के दो नोट, 5000 रुपये यानी कि मेरी जेब में मिले। तो मैंने घरवालों से पूछा कि पैसे कहाँ से आए, आपने रखे हैं कि बोले नहीं, पूरी जानकारी कर ले, लेकिन कोई नहीं रखे, परमात्मा ने 5000 रुपये मुझे ये मेरी जेब में पाए, ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का ही चमत्कार है। और
सन 2014 की बात है, कबीर जी के प्रकट दिवस पर हम सभी परिवार वाले बरवाला आश्रम गए हुए थे। तो वहाँ से जैसे ही हम रात में निकल रहे थे, रात में संगत ज़्यादा होने के कारण कुछ बहनें जो नीचे बस में बैठी थी और भाई हैं जो ऊपर बैठ गए थे, तो हम सभी भगत भाई ऊपर बैठे थे। तो मैं बस के कैरियर होती है वो इंगल होती है उस पर बैठा था आगे एक तरफ मुँह करके। तो आश्रम से कुछ दूर चलने के बाद बरवाला साइड में तो एक बबूल का पेड़ है, उसका सूखा हुआ खूंट घूमता हुआ नीचे की साइड में ऐसा था। तो सामने से बरवाला साइड से एक टैंकर आ रहा था, टैंकर ने जैसे साइड दबाई तो वो जो आश्रम की बस थी उसने साइड पटरी पर उतार लिया वो बस को। तो जैसे ही वो खूंट नज़दीक आकर मेरे चेहरे से टकराया और खूब अच्छी तरह, बहुत होश आवास में था ऐसा नहीं है, और काफ़ी भक्त भाइयों को मैंने आवाज़ सुनाई दी, बहुत भयंकर आवाज़ हुई, जैसे अपन कुल्हाड़ी को कोई लकड़ी में मारते हैं, पोले खूंट में मारते हैं, इस तरह की आवाज़ हुई। मैंने हमारे शिवचरण भगत जी थे उनको बोला, एक राम अवतार भगत जी थे उनको बोला मेरे ऐसे ऐसे ये चेहरा फट गया, आप जल्दी करो, जल्दी संभालो मुझे। तो उन्होंने शिवचरण भगत जी ने, रात का समय था तो जैसे मोबाइल की लाइट जैसे जोड़ी तो उसको मामूली बिल, भगत जी कोई मामूली सी स्क्रेच आई है नाखून के बराबर, कोई नहीं हुआ। तो मैंने उस दिन दृढ़ विश्वास हो गया परमात्मा एक भगवान वास्तव में ही भगवान है। तो उसके बाद में मैंने जैसे स्टेशन पाए बरवाला स्टेशन पर, मैंने जो बस के ड्राइवर है उनको भी ये बोला हुआ है, वो भाई अगर जैसे मेरी बात सुन रहे होंगे तो ज़रूर जान रहे होंगे, उनको बोला है एक भगत जी ये बस ये खूंट है बरवाला आश्रम से उरली तरफ जो बरवाला की तरफ आते हैं, ये खूंट को आप कटवा देना, आज मेरे ऐसे सही बहुत तकड़े एक्सीडेंट हुआ है लेकिन परमात्मा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे बचा लिया। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कोई संदेश देने लायक तो हूँ नहीं, मैं तो करबद्ध प्रार्थना कर सकता हूँ मेरे भक्त भाइयों से, मेरे जगत भाइयों से, जो जैसा एक दिन मैं दुखी था ऐसे वो भाई जो दुख भोग रहे हैं और कहीं उनका निवारण नहीं है। अगर धरती पर कहीं निवारण है सभी दुखों का, कष्टों का, आर्थिक लाभों का, सामाजिक लाभों का, जैसा भी कोई कष्ट है अगर उसका निवारण है तो संत रामपाल जी से दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर अपने टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, काफ़ी सारे चैनल हैं उन पर संत रामपाल जी के प्रवचन आते हैं। तो उनके नीचे एक पट्टी चलती है, वो पट्टी के नंबर लिखे हुए होते हैं, वो नंबर पर संपर्क करके और जहाँ भी नज़दीकी जो नामदान केंद्र है वहाँ से आप भक्ति ले सकते हैं, नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।